To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! नी पेन यानी कि घुटनों का दर्द जो आजकल सभी एजेस के ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। नी पेन परिणाम हो सकता है किसी तरह की इंजरी का या फिर जैसे कि रप्चर्ड लिगामेंट या टॉर्न कार्टिलेज या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस गाउट इन्फेक्शंस से घुटनों का दर्द होता है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या फिर लैक ऑफ यूज़ के कारण भी हो सकता है। घुटनों का दर्द यानी कि नी पेन बहुत ही आम बात हो चली है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जो आप बिना किसी टूल्स या मशीन के अपने आप ही अपने घर पे बहुत ही आराम से कर पाएंगे। And yeah, of course, without any cost. So let's start our segment. चलिए आप कोई चेयर या फिर डेस्क पे बैठ जाए और अपने पैरों के नीचे एक गद्दा या फिर तकिया रख सकते हैं जिससे आपके पैरों को सपोर्ट रहेगा। अब राइट पैर को धीरे धीरे घुटनों से ऊपर ले जाए, फिर लेफ्ट लेग को धीरे धीरे नीचे ले जाए, फिर से राइट, और जितनी देर उस पोजीशन में रख पाए उतनी देर तक उसी पोजीशन में अपना पैर लंबा रखे, दोनों हाथों को घुटनों पर रख दे। इसी तरह यह एक्सरसाइज आप शुरू में 10 से 12 बार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए। एंड फॉर द नेक्स्ट वन, डेस्क या चेयर पर बैठे और पैरों के नीचे तकिया रख दे और उसके बाद एक के बाद एक पैर को घुटने में से ऊपर की तरफ लाए और फीट के हिस्से को आगे और पीछे की तरफ खींचे रखें जितनी देर आप रख सकते हो। इससे घुटनों में हल्का सा खींचाव महसूस होगा। यह आप 10 से शुरू करके अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। फॉर द थर्ड वन, आप एक मोटा सा टावल लें और उसको इस तरह से रोल कर लें। अब ज़मीन पर या फिर अपनी कंफर्टेबल जगह पर पैर लंबे करके बैठ जाए और इस रोल किए हुए टावल को अपने घुटनों के नीचे लगा दे इस तरह से। अब हमें इस टावल को अपने घुटनों से इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करनी है जिससे इस तरीके का थोड़ा सा खींचाव महसूस होगा। हल्के से इस टावल को अपने घुटनों से दबाना है और फिर छोड़ना है। यह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रेस करना है और छोड़ना है। यह आप 10 से शुरू करके अपनी आवश्यकता के अनुसार हर रोज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द नी पेन। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप कोई बेंच या चेयर पर बैठ जाए और वो ऐसी हो कि जिस पर बैठने से आपके पैर जमीन पर टच ना हो। अब धीरे धीरे अपने एक
पैर को घुटने से ऊपर लाएं, फिर दूसरे को इस तरीके से आगे पीछे दोनों पैरों को अपने कंफर्ट के अनुसार हिलाते रहिए। इससे आपके लिगामेंट्स को अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी। यह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। Now for the next, आप एक हल्की सी ऊंची सतह या बेंच या चेयर पर बैठ जाए जिससे आपके पैर जमीन पर ना टच करें, और एक पैर के नीचे तकिया रख दें और एक पैर हवा में रखें। अब जो हवा में लटका हुआ पैर है उससे आपको सर्कल बनाना है, घुटनों से राउंड बना के घुमा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह आपके घुटनों के मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स कर देगा। इसी तरह से आप दूसरे पैर को के साथ भी कर सकते हैं और फिर दोनों पैर को एक साथ भी कर सकते हैं। यह आपके घुटनों के मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। Let's do up and down exercises of physiotherapy. आगे की एक्सरसाइज में आप एक चेयर ले ले और उसके पीछे खड़े हो जाए। अपने दोनों हाथेलियों को चेयर के ऊपर के हिस्से पर रख के पकड़ ले, दोनों पैरों के बीच हल्की सी जगह रख के। अब आप धीरे धीरे घुटने से मोड़कर बैठने की कोशिश करें, और जब तक इस पोजीशन में रह सकते रहे, और फिर धीरे धीरे खड़े हो जाए। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है, और अपनी कमर को सीधा रखें। इसको आप 5 से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, जो किसी सपोर्ट के बिना करनी है, उसके लिए आप ज़मीन पर खड़े हो जाए और अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी अपने कंफर्ट के अनुसार जगह बना ले, और दोनों हाथों को कंधों से आगे की ओर सीधा रख दे। अब राइट साइड को हम जाएंगे, राइट साइड के घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए। उसी तरह लेफ्ट साइड के घुटनों को मोड़कर हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। जब तक आप रह सके उतनी देर यही पोजीशन में रहे। इसके आप दिन में 10 बार से शुरू करके बढ़ा सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट वन, आप एक चेयर ले लें और उसके पीछे खड़े रहे। दोनों हाथ चेयर के ऊपरी हिस्सों पर रख दें। अब धीरे धीरे अपना लेफ्ट लेग घुटने से मोड़कर पीछे की ओर ले जाए और अपने हाथ से खींचकर पकड़ रखे। जब तक आप रह सकते हैं उतनी देर तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे पैर को छोड़कर नीचे की ओर लेते जाए। इसी को हमें राइट लेग के साथ भी करना है। एक के बाद एक दोनों पैरों के इस तरह से हमें मोड़ना है अपने घुटनों से, और चेयर के ऊपरी हिस्सों के पकड़ के स्ट्रेट खड़े रहना है, जिससे आपको काफ़ी खींचाव महसूस होगा, पर उसके साथ साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिलता जाएगा। हम करने जा रहे हैं दूसरे खड़े खड़े करने वाली एक्सरसाइज, जिसके लिए आप ज़मीन पर खड़े हो जाए और दोनों फीट को एक दूसरे के ऑपोजिट और हील के पोर्शन को आमने सामने करके सीधे खड़े रहे। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख दे और धीरे धीरे घुटनों से मोड़कर नीचे की तरफ बैठे। यह ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर धीरे धीरे खड़े हो जाए और फिर से इसको दोबारा रिपीट करें। अब हम हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप किसी सीधी सतह या फिर ज़मीन पर पेट के बल लेट जाए और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। उसके बाद दोनों पैरों को बारी बारी घुटनों से आगे पीछे मोड़ते हुए ऊपर नीचे करते रहना है, और अपने कंफर्ट के अनुसार इसे करते रहिए। यह एक बहुत ही आसान सा तरीका है अपने घुटनों के मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए।
उसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए। अगर आप इसे फास्ट नहीं कर सकते तो आप इसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे कर सकता है, जिससे उसकी घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आपको क्रॉनिक नी पेन नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत जो भी नी पेन होगा उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो इसमें हम हैम स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसके लिए आप जमीन पर पैर आगे की तरफ लंबे करके बैठ जाएं, फिर अपने राइट पैर को घुटने से मोड़कर लेफ्ट थाई की ओर लगा दें। अब लेफ्ट थाई के और धीरे धीरे झुकते हुए दोनों हाथों से अपने फीट को पकड़ने की कोशिश करें और सर को नीचे ले जाएं। इसी को आपको दूसरे पैर के साथ भी रिपीट करना है। यह आप 5 से शुरू करके अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। इससे नी पेन के साथ साथ लंबर पेन में भी आपको आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आप जमीन पर पैर को लंबे करके बैठ जाएं। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर पीछे की ओर हिप्स के नीचे की बाजू इस तरह से लगा दें। अगर आपको क्रॉनिक पेन नहीं है तो आप ये कर पाएंगे। अब इसी पोजीशन में आप 2 से 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बैठ सकते हैं, जिससे आपके घुटनों के लिगामेंट्स को एक्सरसाइज तो मिलेगी, साथ साथ आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और शांति से अपने कंफर्ट के अनुसार इसी पोजीशन में बैठे रहे। इस वीडियो में हमारे द्वारा दिखाई गई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को करने के दौरान अगर आपको माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो रहा है, देन इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी। पर अगर आप किसी सीवियर पेन को फील कर रहे हैं, देन जस्ट स्टॉप एक्सरसाइजिंग इमिडिएटली एंड मेक एन अपॉइंटमेंट विथ योर डॉक्टर। मेरे द्वारा बताई गई ये फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस को आपको डेली बेसिस पर करते रहना है। धीरे धीरे कम से शुरू करते हुए ज़्यादा बढ़ाते रहना है, जिससे आपके घुटनों के पेन में काफ़ी रिलीफ होगा और आपके घुटनों की स्टिफनेस कम होती जाएगी और लिगामेंट्स और मसल्स बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे, जिससे आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह धीरे धीरे सब कुछ कर पाएंगे और सक्षम बन पाएंगे। हमारे चैनल पर हेल्थ से लेके वास्तुशास्त्र, फैशन, DIY और भी बहुत इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। तो आगे भी ऐसे ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखने के लिए, जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल आरोही आउट ऑफ बॉक्स और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आगे भी इससे भी अच्छी तरह से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन सर्व करते रहे। एंड ऑफ कोर्स सबके साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमें ईमेल करें। थैंक यू।